जस्ट इन केस अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो तब भी आप उतरेंगे, या फिर भाई कमान का जो रहता है कि नहीं पार्टी जो जिसे टिकट दिया है उन्हें सपोर्ट करना है, तो क्या कनेक्टिविटी बहुत सालों से डिप्राइव था। वो लोग बोला है कि इतना लीडर्स आया है गया है, लेकिन आपने जो वादा किया आपने करके दिखाया, इसलिए वो लोग ये भी वादा किए 100% वोट करेंगे मेरे। 54 विलेजेस इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारा विलेजेस को हम सब ने जेजेएम को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया, कंप्लीट किया। वो कनेक्टिविटी बहुत सालों से डिप्राइव था। वो लोग बोला है कि इतना लीडर्स आया है गया है, लेकिन आपने जो वादा किया आपने करके दिखाया, इसलिए वो लोग ये भी वादा किए 100% वोट करेंगे मेरे लिए। सबका फिर से स्वागत है हमारे शो द रिपोर्ट कार्ड पे, जहां हम आप सबको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे हमारे 60 एमएलए से और उनके वादे से जो 2019 में उनको द्वारा ही दिया गया था आप सभी को कि वो पूरे किए गए कि नहीं, तो सीधे उनसे मिलेंगे और उनसे ही रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। तो उसी सिलसिले में इस वक्त हम आए हुए हैं जयरामपुर में, जो 51 नामपुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, और यहाँ के एमएलए आप सबको हम रूबरू कराएंगे, यहाँ के एमएलए सिटिंग एमएलए लक्ष्मण सिमाई जी से, और उनके तरफ से जो वादे आपको किए गए थे वो पूरे किए गए हैं वो जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमारे शो पर द रिपोर्ट कार्ड पे। सर, सीधे आपके जो 2019 से लेकर 2024 का जो 5 साल का ड्यूरेशन था और वादे जो आपने किया था, आपसे हम सीधे आपका रिपोर्ट कार्ड जानना चाहेंगे। सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके 2019 के इलेक्शन में आपने एश्योरेंस दिया था रिगार्डिंग रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी एंड साथ ही साथ ये स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन सेक्टर, क्या अपडेट है अगर आप ब्रीफ में स्पेसिफिकली बता पाए सर? यस, थैंक यू वेरी मच आपका चैनल को। सही में 2019 से 2024 का टेन्योरी हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि बीच में कोविड आके हम सबको सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हर्डल्स दिया। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऐसा होने के बावजूद हम सब ने जो अपना वादा किया जनता को उसको पूरा फुलफिल करने के लिए पूरा कोशिश किया। खास करके रोड सेक्टर को लेकर हमने जितने भी मानमाओ, नामपोंग और जयरामपुर, हमारा 3 ट्राइपोड्स थे, जैसा एक हमारा एक 3 टाउन है, तो तीनों टाउन में हम सब ने सारा इंटरनल टाउनशिप रोड्स को बनाने के लिए हमने वादा किया था, उसको हमने फुलफिल किया है। और दूसरा बात है, तीनों टाउन में वाटर सप्लाई का भी बहुत बड़ा समस्या था, उसको भी जयरामपुर टाउनशिप में भी अभी हम RIDF के थ्रू से वाटर सप्लाई बहुत सुंदर से इम्प्लीमेंट हो गया है, और नामपोंग में भी और मानमाओ में भी टाउनशिप का वाटर सप्लाई तीनों टाउन्स में हम सब ने फुलफिल किया। और साथ में सारा गाँव में जेजेएम के तहत से ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस, वी हैव 54 विलेजेस इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारा विलेजेस को हम सब ने जेजेएम को बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया, कम्प्लीट किया। और जहाँ तक स्कूल का सेक्टर है, स्कूल में भी मानमो सेकेंडरी स्कूल जो है बहुत सालों से सेकेंडरी स्कूल था, उसको हम सब ने हायर सेकेंडरी से अपग्रेड किया है, और वहाँ के बच्चों लोग अभी अपना स्कूल में रह कर ही क्लास 12 तक पढ़ सकते हैं। और यहाँ में वी हैव 2 मोर हायर सेकेंडरी जयरामपुर और नामपोंग, और अपर प्राइमरी स्कूल्स है और प्राइमरी स्कूल्स भी सारा है। और जहाँ तक हेल्थ सेक्टर है, हम सबका मेरा वादा था कि एक अच्छा हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने का, उसको भी हम लोग NHM से फंडिंग लेकर अभी बिल्डिंग कंप्लीटेड है, रेडी है, इनॉग्रेटेड है, सारा मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो जो ज़रूरी है टेस्टिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड का है और USG जो भी है, मेडिकल किट्स, टेस्टिंग मटेरियल, लेबोरेटरीज, एवरीथिंग हम सब ने मुहिम कराया, और इसका बहुत जल्दी हम लोग फंक्शनल होने वाला है। सो ओवरऑल हम जितना भी हम सब ने जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट था 2019 में, उसको लगभग हम लोग सारा फुलफिल किया। जी सर, जैसे अभी स्पेसिफाई करने आपने बता तो दिया, सर हम जानना चाहेंगे कि कुछ साल पहले हम भी आए थे, आपने भी विजिट किया CM के साथ में एक गांव में, जहाँ पे उनको उनका बस यही कहना था कि
पानी का कनेक्टिविटी हो जाए तो आपसे सेटिस्फाई आपके काम से, इस तरह कहना था उनका। तो वो जो तिखा कुछ गांव था उस yes. उसका कुछ अगर आप अपडेट बता रहे, क्योंकि और उनका उन वहाँ पे और दो दूसरे गांव के भी लोग, उनका भी पानी को लेकर के था। तो एज ऑफ नाउ सर, ये मान के चल सकते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग को जो पानी का सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत था वो फुलफिल हो चुका है? यस यस, आपने सही फरमाया। जितने भी मैं थोड़ा पहले भी कहा है, सारे गाँव में जो लेफ्ट आउट थे उसको भी हम सब ने एक्स्ट्रा फंडिंग करा के, स्टेट फंडिंग से भी कराया है और जेजेम के तहत से भी भारत सरकार ने भी सारा गांव को प्रोवाइड किया। तो अभी आज के दिन में लगभग पूरा गांव में पानी का समस्या हल हो चुका है। और सर अभी जैसे कोविड की वजह से कुछ ऑब्वियसली सिर्फ अरुणाचल ने, पूरे दुनिया भी दुनिया ने फेस किया सर, कुछ ऐसा काम जो लेफ्ट आउट हो चुका है, क्योंकि आप फिर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप फिर से उतरने वाले हैं 2024 के इलेक्शन में, तो जो काम छूट गया या फिर आपका विजन रहेगा 2024 के इलेक्शन में, जो आप कहना चाहेंगे अपने लोगों से सर? ऑब्वियसली मैं हमेशा से कहता हूँ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इतना सालों से सरकार चल के आ रहा है, काम भी उतना ही करके आ रहा है, लेकिन वी हैव लॉट मोर टू डू एंड वी हैव डन सो मेनी थिंग्स आल्सो। आज के दिन में जो पहले कर चुका है उसका कुछ सर्टेन पीरियड के बाद रिनोवेशन होता है, रिपेयरिंग होता है, चाहे वो रोड हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या कोई भी सेक्टर में उसका सर्टेन पीरियड के बाद में उसको रिनोवेशन करना पड़ता है। तो आई हैव ए विजन कि आने वाला दिन में कि हम ऐसा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, खास करके एजुकेशन सेक्टर को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। आज के दिन में हमारे सरकारी स्कूल को बंद करने का कगार में है, क्योंकि उसमें हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाता है, जिसके चलते सारा गांव के बच्चों लोग प्राइवेट स्कूल्स की ओर एडमिशन लेते वहाँ पढ़ाए होते। वेर एस क्वालिटी एजुकेशन का बात करेंगे तो गवर्नमेंट टीचर्स आर मोर क्वालिफाइड देन द प्राइवेट स्कूल्स। इसलिए मेरा ये इच्छा है कि सारा जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उसको हम सुंदर से एक प्रोटोटाइप ऐसा बना के हर स्कूल्स को एक ही डिज़ाइन, एक ही शेप एंड साइज में बनाने का, एक ही कलर में बनाने का मेरा एक विजन है। वो आने वाले दिन में मैं ज़रूर करूँगा इसको, मैं ये मेरा है। दूसरा है यहाँ के लोगों का जो जो डिपेंडेंसी है, जो अपना नेता पर दूसरों को ऊपर जो डिपेंडेंसी है, उसको डिपेंडेंसी सिंड्रोम को ब्रेक करना है, उनको सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारा सरकार का तरफ से जो भी वर्क स्कीम्स देते हैं उसको हम अच्छी तरह इस्तेमाल करके उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, ये भी मेरा एक दूसरा विजन है। और बहुत सारा गाँव से अभी तक PMGSY रोड का चल रहा है, मगर उसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं हो पाया, ये भी एक हमारा एक चैलेंज है, उसको भी हम लोग आगे आने वाले दिन में करेंगे। जी सर, मैं पूछने वाली थी, क्योंकि हमें भी कई कंप्लेंस आया था आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि अभी भी रास्ता बनना बाकी है, सिर्फ हाईवे को दिखाने से डेवलपमेंट नहीं हो जाते, इस तरह कहना था, जो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया आपका 2024 का इलेक्शन विजन को लेकर। सर और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग स्पेशली जो यहाँ के बच्चे हैं, स्कूल्स तो ठीक तरीके से, अगर हम कंपेयर करें दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सर टीचर्स को लेकर आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया था? क्योंकि एजुकेशन बोला जाए तो पेमा खांडू सरकार हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी में रख रहे थे, तो टीचर्स को लेकर आपने कुछ इनिशिएटिव लिया था? हाँ, ये इफ यू टॉक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, हमको सबसे पहले टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। अपना प्रदेश सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने पूरा कोशिश किया है, और आज का दिन में लगभग सारा स्कूल्स में जो रिक्वायर्ड टीचर्स भी लगभग है। मैं नहीं कहूँगा कि कंप्लीट 100% है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया गया है उसका, गेस्ट टीचर्स के रूप में सारा स्कूल्स में जो सब्जेक्ट टीचर्स को अवेलेबल कराया, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और मेरी तरफ से भी खास करके प्राइमरी स्कूल्स एंड जो गाँव में विलेजेस है उसमें जहाँ सिंगल टीचर है, बच्चा ज़्यादा है लेकिन सिंगल टीचर है, वहाँ पे हमने अपना MLA लेट से भी वहाँ पे एंगेज किया है सर स्कूल में, ताकि रेगुलर टीचर को मदद करने के लिए और इन टीचिंग में। ये सारा स्टेप्स लास्ट नॉट ओनली 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग करके आ रहे हैं।
सर, वैसे अगर हम गिनने चले आपके दसवें साल से तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि 2019 ही पता करें सर। और एक पॉइंट आपने कहा जो मैं सवाल पूछने वाली थी, सेल्फ रिलायंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भर जो कह रहे हैं सर, इसको लेकर क्योंकि जो दर्शक नहीं जानते, और अगर आप कभी नामपोंग, मनवाओ या फिर जरमपुर नहीं आए तो मैं बता दूँ बहुत खूबसूरत जगह है और हम भी कई बार यहाँ आ चुके हैं। और सर यहाँ पर हमें खबर आई थी कि जैसे सर्किट हाउस हुआ, आई भी हुआ, उसको छोड़कर ऐसा कुछ जैसे होम स्टे वगैरह भी इतना कुछ नहीं है, और टूरिस्ट का भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, उसके ऊपर में अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाए, हमें खबर आई थी कि ऐसे कुछ बन रहा है। यस यस, आपने सही फरमाया। नामपोंग 51 नामपोंग जो है इट्स ए गॉड गिफ्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वी आर ब्लेस्ड विद ए लॉन्ग स्टोरी, वर्ल्ड वॉर 2 सेमेट्री, वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेट है। स्टिलवेल रोड जो इतना फेमस एक रास्ता है, आज का दिन में वो 2 लेन बन गया है अपना बॉर्डर तक 505 तक। तो यहाँ का जो लोकेशन या डिस्टेंस सामने होने की वजह से जो भी डोमेस्टिक टूरिस्ट आता है यहाँ में स्टे नहीं करते, दिन में आकर फिर शाम को अपना घर चला जाता है। वैसे टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ में, लेकिन होम स्टेज और इतना नहीं चलता है। फिर भी हम सब ने बहुत कोशिश किया, आज का दिन में कम से कम 9 to 10 होम स्टेज हम सब ने डेवलप किया है एज ऑफ नाउ। तो अपना अपना क्लाइंट जो कॉन्टेक्ट करके कोई आता है तो रहता है, ये बहुत अच्छा बात है। और वर्ल्ड वॉर 2 सेमेट्री को भी हम लोग फेसलिफ्ट कराया है। उसके बाद में एमपी थिएटर, उसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 सेमेट्री के कैंपस में ही है। और एक वर्ल्ड वॉर 2 का स्टोरी को लेकर हम सब ने एक लाइट एंड साउंड शोज का भी इंट्रोड्यूस करने वाला है। वंस द एमपी थिएटर इज कम्प्लीटेड तो लाइट एंड साउंड शोज का भी, आई होप दिस न्यू थिंग्स विल बी एन अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट इन द डेज टू कम। ये बहुत अच्छा होने वाला है। 2019 का मुझे और एक वादा था गांव वालों से, जब मैं 2019 में चुनाव में गया, उन लोगों ने सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम दिया कि रीमा रिवर के ऊपर में एक ब्रिज बनाना है। तो मैंने वादा किया अगर मैं जीतता हूँ 2019 में, मैं ज़रूर ब्रिज आप लोग को बनाऊँगा। तो वो वादा भी हमने फुलफिल किया। अभी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरे जोरदार से चल रहा है। ये खामलांग एरिया है, वहाँ में मौसांग खामलांग, तिखा खामलांग और संगवाल खामलांग 3 गांव है। वो कनेक्टिविटी बहुत सालों से डिप्राइव था। वो लोग बोला है कि इतना लीडर्स आया है गया है, लेकिन आपने जो वादा किया आपने करके दिखाया, इसलिए वो लोग ये भी वादा किए 100% वोट करेंगे मेरे लिए। इसलिए मैं आई एम रियली थैंकफुल टू द खामलांग विलेजेस, और मैं मुझे भी तसल्ली है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। सर ये तो था जो ओवरऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आपके द्वारा किया गया है। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि अभी खबर मिली है कि जो अपोजिशन आपके आ रहे हैं वो भी पार्टी टिकट यानी कि बीजेपी टिकट को लेकर थोड़ा खींचातानी चल रहा है, ऐसे खबर आ रही है, तो आप कितना कॉन्फिडेंट हैं बीजेपी टिकट को लेकर और क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? देखो पार्टी डेमोक्रेसी में सभी का हक होता है, सभी का राइट होता है। हम किसी को आप कर सकते हैं आप नहीं कर सकते नहीं कह सकते हैं। तो लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी दावेदार है। और मुझे विश्वास है कि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग सिंसियरली फॉर द पार्टी, फॉर द गवर्नमेंट। और आई होप हमारा जो तपस्या है पिछला 10 साल का वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, और मुझे अपना पार्टी पर, अपना काम पर, अपना हाईकमांड पर, अपना लीडर्स पर पूरा भरोसा है कि मुझे ज़रूर टिकट अवार्ड देंगे और मुझे फिर से जिताएंगे। और सर क्योंकि हम जैसे हमने बताया कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं और पर्टिकुलरली जो MLA उनसे ही हम पूछ रहे हैं, और इतना ही नहीं सर आपसे इंटरव्यू लेने के बाद में आपके लोगों से ही हम पूछेंगे कि वो कितना सेटिस्फाई है आपके काम से, जो आप सब देखेंगे सर के इंटरव्यू के बाद में। सर और एक सवाल रहेगा और आखिरी सवाल हम कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को कैसे दोनों दावेदार, क्योंकि एक जो बीजेपी से आने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे अपोजिशन पार्टी से है, तो आप जितने भी दर्शक स्पेशली आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आप क्या अपील रखना चाहेंगे कि आप कैसे बेहतर है दोनों से और आप क्यों अच्छा उनसे काम कर सकेंगे 51 नामपोंग के लोगों के लिए? सर ये तो जनता ही तय करेंगे, मैं खुद को अच्छा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि
आई बीन वर्किंग क्लोजली विद द पीपल. मैंने पिछला 10 साल में लोगों को सेवा किया है और उनका मन में जगह बनाने के लिए कोशिश किया है, और उसका नतीजा 2019 में इतना विथम्पिंग मेजोरिटी मुझे जिताया. और वही स्पिरिट पिछला 5 साल में भी हमने वही स्पिरिट से हम लोग काम किया है. तो मुझे पूरा विश्वास है जनता से कि ज़रूर वो लोग गलती नहीं करेंगे, राइट पर्सन राइट कैंडिडेट को ही चूज़ करेंगे, और मुझे विश्वास है मुझे आशीर्वाद देंगे और फिर से अपना विधायक के रूप में तीसरा बार जरूर चुनेंगे. सर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी, छूट गया मुझसे, कि जस्ट इन केस मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी का जो पार्टी का जो एक प्रोटोकॉल या फिर रूल एंड रेगुलेशन वो बहुत अनोखा है कह सकते हैं दूसरे पार्टी से अगर कंपेयर करें, जस्ट इन केस अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो तब भी आप उतरेंगे, या फिर भाई कमान का जो रहता है कि नहीं पार्टी जो जिसे टिकट दिया है उन्हें सपोर्ट करना है, तो क्या रहेगा सेंस? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. फिर भी देखिए, जनता जनधन हमारा सबसे बड़ा है. वी विल डिस्कस विद द पब्लिक और जनता ही तय करेंगे. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड इसके बाद जैसे मैंने कहा कि सर ने तो अपना जो रिपोर्ट कार्ड है आप सबके सामने में स्पेशली 51 नामपुंग के लोगों के सामने रख दिया है, वो आप जानते हैं. अगर सर की तरफ से कुछ छूटा है आप कमेंट करके बता सकते हैं. और इसके बाद मैं बता दूं कि जो आपके ही जगह के लोग से हम अपडेट लेंगे कि उन्हें क्या कहना है सर के एज ए सिटिंग MLA काम को लेकर, और वो फिर से सर को वापस दोबारा चाहते हैं कि नहीं, तो हमारे साथ बने रहे. वंस अगेन सर थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मेरा नाम है तैता तैलोंग, भले से तैपोंग का बस्ती और मंडल मोर्चा प्रेसिडेंट हूँ किसान मोर्चा का. सेटिस्फाई है मैडम, यहाँ में हम लोग का जो एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर उसमें तो हम लोग का तो बेनिफिशरी वाला को भी बहुत दिया हुआ है कामकाज, और पावर टेलर जो आत्मनिर्भर का होने से भी बहुत ये सब भी अच्छा से करा है. और जो जितना है ये एग्रीकल्चर में लैंड डेवलपमेंट में जो देना था वो स्कीम सब भी अच्छा से दिया है. यहाँ अभी यहाँ है, सिर्फ यहाँ बोल के नहीं है, अभी जाके बस्ती जाके चेक करने से भी ये सब तो अभी दिखाई देगा. ये अंदर में तो हम लोग नामपोंग 51 में तो काम भी अच्छा से करके अभी आया है. अभी जाके यहाँ से तो बोल नहीं सकते, जाके अभी जगह पे जाके देखने से तो उसमें तो जितना डेवलप हो गया सभी आदमी तो मालूम है कहाँ डेवलप हुआ है नहीं हुआ है. ये हम लोग का यहाँ में तो हम लोग अभी तो बहुत अच्छा है फील. तो हम लोग का MLA साहब तो इस बार तो जीत हो जाएगा, गया बार से भी इस बार तो अच्छा से जीत हो जाएगा. हम लोग भी पूरा ये वादा करके अभी जितना है फील तो अच्छा से बना के देख रहे हैं. मेरा नाम है चाखी. हम लोग सब ऐसे जनता 51 नामपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ हम लोग का ऑनरेबल MLA सर का में हम लोग सब सेटिस्फाई है. हम लोगों को क्या चाहिए डेवलपमेंट का बारे में तो हम लोग सब लोग देख ही रहा है, सोशल मीडिया थ्रू भी सब लोग देख ही रहा है. हम लोग डेवलपमेंट के ये में तो हम लोग बहुत खुश है. हम लोग को रास्ता चाहिए, पहले हम लोग बहुत तकलीफ मिलता था रास्ता के लिए. तो रास्ता भी बहुत अभी तो अच्छा हो गया है. जो जगह में हम लोग 1 घंटा लगता था वो जगह में हम लोग 30 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाता है. और क्या चाहिए हम लोग को, ऊपर से हम लोग के लिए टाइम भी सेफ होता है, और हम लोग का जो व्हीकल है वो भी हम लोग के लिए मतलब अच्छा है होता है. इतना मतलब बनाने का ये नहीं होता है, इसलिए रास्ता भी बहुत अच्छा है. और घर घर में जल दे के हम लोगों के लिए भी बहुत ये भी एक डेवलपमेंट में ही है. जल जीवन मिशन जैसे ही आया है वैसे ही हम लोग का घर घर में जल पहुंचा है. और हम लोगों के लिए बच्चा लोग को पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए. हर स्कूल को जो कि हालत ख़राब वाला स्कूल में भी रिनोवेट करा के बहुत सुंदर से बना दिया है. उसका बाद में हम लोगों का यहाँ में डेवलपमेंट का बारे में बोलेगा तो हम लोगों के लिए लाइब्रेरी ये भी बना दिया है, जहाँ की मतलब बच्चे लोग भी अपना टाइम स्पेंड कर सके. उसको ही ध्यान देते हुए सर ने उसको भी बना दिया है. तो सर को ही धन्यवाद है हम लोगों का 51 नामपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी हम लोग आम जनता है सब खुश है उसके लिए. अभी आप देख ही सकते हैं हम लोग महिला लोग यहाँ पे जमा हुआ है सर के लिए ही सपोर्ट करने के लिए. क्यों हम लोग यहाँ में सर को फिर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो पहले हम लोगों को जैसे कि मेल डोमिनेटिंग ऐसा मतलब जगह होता था पहले,
और अभी भी है कहीं कहीं जगह पे, लेकिन अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। जो हम लोगों को वोमेन लोग को आगे बढ़ाने के लिए इतना मतलब कोशिश करता है, और हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जैसे कि हम लोगों का जो भी व्यू होता है, हम लोगों का जो भी एडवाइस होता है, हर कहीं कहीं में ऐसा होता है कि मेल जो नहीं कर पाते वो औरत को औरत का मतलब व्यू चाहिए होता है, ऐसे में भी हम लोगों का ये भी पॉइंट भी रखने के लिए देता है। और रिसेंटली मैं ये भी उसमें जोड़ना चाहूँगी कि हमारे जो वोमेन वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग जहाँ में ऐसा वोमेन लोग अभी इतना आगे बढ़ रहे, तो हम लोगों को एक जगह चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हम लोगों को गैदरिंग होने के लिए चाहिए, जैसे कि छोटा छोटा मीटिंग होता है, जैसे कि SSG हो गया, नहीं तो कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए हो गया, नहीं तो वोमेन वेलफेयर ऐसा गैदरिंग के लिए हम लोगों को एक जगह चाहिए बोल के, जैसे हम लोग सर को ये प्रपोजल दिया, सर को जैसे कि हम लोग शेयर किया, तो सर ने मतलब सेकेंड थॉट लिया ही नहीं उसने, हाँ हम देख देगा ऐसे ही बोल के हम लोगों को रिसेंटली हम लोग इनोग्रेट किया है वोमेन वेलफेयर सोसाइटी, एक ऑफिस दे के सर ने हम लोगों को यही मतलब हम लोगों के लिए ये उसका प्यार दिखाया कि हाँ हम आप लोगों का साथ में है बोल के सर ने हम लोगों को ऐसा दिखाया, इसलिए हम लोग वोमेन लोग आज सर का साथ में ही है और सर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। मेरा नाम है वानेप तैलोंग है, मेरा 51 कॉन्स्टेंसी का, मेरा बस्ती है तिरप सकान का है, मैं डिस्ट्रिक्ट ST मोर्चा का कन्वेनर। मैं ये लाइसम सिमाए सर जी के लिए मैं देखता हूँ कि अच्छा ही काम किया है, बहुत सब कुछ काम किया है, सब कुछ रास्ता और ये सब कुछ, ये घर घर में ये पानी पाइप और दे दे, वो घर घर में अभी सब मिला है ये वाटर सप्लाई का, और रास्ता को भी पूरा बना दिया, और ये टाउन भी बहुत साफ सुकून है, और ये 51 कॉन्स्टेंसी में ये लाइसम सिमाई जी का जो अभी इनकम्प्लीट है उसको नेक्स्ट आने वाला 2024 कमिंग वो इलेक्शन में वो जीतने से, और इसी बार किया है उसी से भी ज़्यादा और अच्छा करेगा, हम लोग वो मकसद है करेगा बोल के। लेकिन वहाँ में ये इस बार भी वो 2019 में जो था वो 2 साल जो COVID-19 को वो खा दिया था, इसलिए उसको अधूरा हो गया, उसको कंप्लीट करेगा बोल के मेरा मकसद है। और ये लाइसम सिमाई जी का वो जो काम किया है हम अभी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, मेरा और भी आगे में अच्छा करेगा। मेरा मकसद है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको नहीं देने से किसको देना पे, वो अभी वो नया आएगा उसको करेगा नहीं नहीं करेगा, वही मेरा मकसद है। लेकिन लाइसम जी जो मिलने से तो अभी जो कर रहा है उसी से भी ज़्यादा अच्छा करेगा, वही है मेरा मकसद है, उसको देने से अच्छा है। और अभी 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, तो आप लोग तो फिर वोट देगा, तो आप लोग को कुछ ऐसा कुछ चाहिए या आप लोग का जगह में या फिर गांव में, आपका जिस गांव में पानी है रास्ता कौन सा गांव का वहाँ में वहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है, गाँव में ठीक है, सब ठीक है, पानी आ गया ना हर घर हर जल में पानी आ गया ना, और स्कूल है वहाँ पे और ठीक है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सभी ठीक है ना, सिर्फ रास्ता जो थोड़ा बहुत ना, लेकिन गांव के लिए आप गाँव में सब चीज ठीक है, PSC जरूरी है ना हेल्थ के लिए, बाकी तो ठीक है, पानी रोड स्कूल सब ठीक है ना। आप लोग सब एक गांव से, अलग अलग गांव से आया, अलग अलग गांव से आया, आप कौन सा गांव से है आंटी? नुम्बी। वहाँ पे सब चीज ठीक है, रोड ठीक है, सच सच बोलेगा रोड ठीक है।